So according to this theory, people who are more impulsive, the chances of them are impulsive is something also natural. It is something jo psychological hai. So the people who have this issue with them, the chances of them committing a crime is greater than any other person. So इससे उसको आइडिया हुआ कि बायोलॉजी से नहीं, एक इंसान की साइकोलॉजी से हम डिड्यूस कर सकते हैं, ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी कैसी है और नॉन क्रिमिनल्स की कैसी है. तो उसने इन तीन चीज़ों को पे फोकस किया कि जो क्रिमिनल्स हैं दे आर इनसेन, दे आर नॉट इंटेलिजेंट एंड दे हैव पोअर सोशल बिहेवियर. दे आर नॉट एबल टू सोशलाइज एज वेल एज नॉर्मल पीपल, दे प्रेफर बीइंग अलोन. इस तरह के लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं. सो दैट इज़ वेयर द साइकोलॉजिकल perspective actually began.